The title of this module is Geometrical Interpretation of Gradient. बेटा हमने ग्रेडियंट के हवाले से पढ़ा कि ग्रेडियंट क्या है. बेसिकली अगर हम स्टार्ट लें एक स्केलर फंक्शन से, तो बेटा हमारे पास एक फाई एक स्केलर फंक्शन है, और अगर हम उसके ऊपर ग्रेडियंट अप्लाई करते हैं, मतलब उसके ऊपर डेल अप्लाइड करते हैं, तो हमारे पास ग्रेडियंट देता है. आपने ये पहले भी पढ़ा कि बेटा स्केलर फंक्शन के ऊपर जब आपने डेल अप्लाई किया तो वो आपके पास एक वेक्टर क्वांटिटी देता है. अब क्वेश्चन ये अराइज होता है, अब देखें ये जैसे हमारे पास कोई भी एक सरफेस हम ले सकते हैं, कोई भी फंक्शन हो सकता है बेटा फाई. फाई हमारे पास टू डायमेंशनल में भी हो सकता है, थ्री डायमेंशनल में भी हो सकता है, वन डायमेंशन में भी हो सकता है. तो ये इसका मतलब है कि थ्री डायमेंशनल सरफेस भी आपके पास हो सकती है, टू डायमेंशनल भी हो सकती है. तो बेटा हमारे पास अगर सरफेस ही है, सरफेस की इक्वेशन है फाई ऑफ एक्स वाई जी, तो हमारे पास जो अगर आपने जब उसके ऊपर ग्रेडियंट अप्लाई किया, डेल अप्लाई किया, तो उसने हमें एक वेक्टर क्वांटिटी दे दी. अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि बेसिकली हमारे पास जो वो वेक्टर क्वांटिटी है वो क्या है, उसकी डायरेक्शन कहां पे होगी. अब ये पूरी सरफेस है, आपने इस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर या कहीं पे भी आपने डायरेक्शनल ग्रेडियंट अगर आपने निकाला, तो बेटा ग्रेडियंट जो है वो उसकी उस वेक्टर की फिर वैल्यू कहां पे होगी. तो यही हमारे पास जो है इस टॉपिक के अंदर हमने इसी चीज को देखना है कि हमारे पास अगर हम लॉजिक अंडरस्टैंड कर जाएं तो बेटा हमारे बहुत सारे प्रॉब्लम जो है ना वो बड़ी आसानी के साथ हैंडल हो सकते हैं, अगर हम इसकी ज्योमेट्रिकल या फिजिकल इंटरप्रिटेशन को जान जाएं कि ग्रेडियंट हमारे पास है क्या. क्योंकि हमारे पास जरूरी नहीं है कि क्वेश्चन हमेशा बड़ी स्ट्रेट अवे तरीके, स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से है कि कहा जाए कि दिस इज द स्केलर फंक्शन, फाइंड आउट द ग्रेडियंट. नहीं, हमेशा ऐसा नहीं होगा. या कहा जाए ओके फाइंड आउट द ग्रेडियंट एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट. नो, नॉट एट ऑल. बेटा हमारे पास क्वेश्चन बड़े ट्रिकी अंदाज में भी हो सकते हैं. आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है कि जी वो वेक्टर जो है वो वेक्टर आपका कहां पे होगा, उसकी डायरेक्शन आपकी वेक्टर की कहां पे होगी. तो बेसिकली हम देखते हैं कि बेटा फिजिकली या ज्योमेट्रिकली ग्रेडियंट जो है वो हमें क्या इंफॉर्मेशन देता है. वो बताता है कि आपका जो वेक्टर है वो उस सरफेस के ऊपर जो है वो परपेंडिकुलर होगा, वो नॉर्मल होगा. तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि बेटा हमारे पास जब अब अगर हमारे पास एक पर्टिकुलर पॉइंट है तो उस पॉइंट के ऊपर वो नॉर्मल वेक्टर होगा. तो लिहाजा हम देखते हैं कि क्या ये कहता है ज्योमेट्रिकली ग्रेडियंट ऑफ अ स्केलर फंक्शन रिप्रेजेंट्स अ नॉर्मल वेक्टर टू द सरफेस. बेटा ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, लिहाजा इसको जरूर याद रखिएगा. अब हमारे पास एक पॉइंट है एक्स वाई जी, कोई भी सरफेस के ऊपर है डेफिनेटली, तो आप कोई भी पॉइंट यूज कर सकते हैं. आप यहां पे एक्स वाई जी की जगह पे एक्स वन वाई वन जी वन भी बेटा कह सकते हैं. तो कोई भी आप पॉइंट चूज करें, तो आपने वो पॉइंट लिया. अब उस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर आपने देखा कि इसके ऊपर अगर आप ग्रेडियंट फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो बेटा ग्रेडियंट क्या होगा, ग्रेडियंट जो है आपके पास ये नॉर्मल वेक्टर होगा. तो बेटा अभी हम एग्जांपल एक देखते हैं कि ये फिर हमारे पास ये किस तरीके से आता है. तो बेटा हमारे पास एक स्केलर फंक्शन है फाई, फाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई जी. अब आपने इसको अगर डेल फाई निकाला तो ये सिंपली टू एक्स वाई जी आई प्लस एक्स स्क्वायर जी जे प्लस एक्स स्क्वायर वाई के आपके पास आ गया. और अगर आप पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर देखना चाहते हैं वन वन वन, बेटा वन 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 ये कुछ जरूरी नहीं है कि आप कुछ यही चूज करें. ये सिर्फ इसलिए चूज किया गया है क्योंकि ये हमारे पास पॉइंट आप इमेजिन करना आपको बड़ा आसान है कि वन 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 क्या है. अगर थ्री डायमेंशनल स्पेस में हम देख रहे हैं तो इसका मतलब है कि उसने आपके फर्ज करें यही डिस्टेंस अगर लेंथ जो है ये वन है बेटा, तो इसका मतलब है कि x एक्सिस की तरफ भी 1, y एक्सिस की तरफ भी 1, z एक्सिस की तरफ भी 1. तो पर्टिकुलरली आप इस पर्टिकुलर पॉइंट को इमेजिन करना जो है वो आपके लिए बड़ा आसान हो जाएगा. तो लिहाजा ये लिया गया. इसके अलावा यहां पे जो फाइनल रिजल्ट आएगा ये भी बड़ा सिंपल हो जाएगा. तो बेटा आपने लिया 1, 1, 1, तो यहां से आपके पास डेल फाई की जो वैल्यू निकली दैट इज 2i प्लस j प्लस k. अब बेटा ये जो वेक्टर है आपके पास ये क्या है, ये एग्जैक्टली उस पर्टिकुलर पॉइंट यानी कि जो हमने वो पॉइंट लिया था उस सरफेस, तो पूरी उस पॉइंट डेफिनेटली उस सरफेस के ऊपर है, तो उस पॉइंट के ऊपर ये जो वेक्टर है ये एग्जैक्टली जो है ये नॉर्मल वेक्टर होगा. बेटा क्वेश्चन राइज होता है बाज का, ये पूछा जा सकता है कि जी फिर सरफेस के ऊपर हम नॉर्मल वेक्टर कैसे ले सकते हैं, तो हमें कैसे पता लगेगा कि एग्जैक्टली वही नॉर्मल है. तो बेटा अगर आपके पास सरफेस एक है
या अगर आपके पास एक कर्व है तो उसके ऊपर नॉर्मल अगर किसी पॉइंट के ऊपर ड्रॉ करना हो तो इसका आसान तरीन तरीका होता है कि आप उसके ऊपर सबसे पहले एक टेंजेंट वेक्टर ड्रॉ करते हैं। जैसे ये कर्व है अगर आप ले तो बेटा ये टेंजेंट है, तो इसके ऊपर फिर परपेंडिकुलर जो लाइन होगी ये आपका जो है ये नॉर्मल वेक्टर बनेगा। अदरवाइज आपके लिए हमेशा ही कंफ्यूजन बनेगी कि ये वाला नॉर्मल है या आपके पास ये वाला नॉर्मल है। तो लिहाजा अगर आपने टेंजेंट ड्रॉ किया होगा तो बड़ी आसानी के साथ आप कह सकते हैं कि दिस इज योर नॉर्मल वेक्टर। तो लिहाजा बेटा हम कंक्लूड करते हैं चीजों को कि हमारे पास ज्योमेट्रिकल या फिजिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ ग्रेडियंट क्या है। तो बेटा याद रखिएगा कि इसकी फिजिकल इंटरप्रिटेशन या ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ये है कि ये किसी भी सरफेस के ऊपर आपको उस किसी भी पॉइंट के ऊपर जिसके ऊपर आप ग्रेडियंट फाइंड आउट करना चाहते हैं तो उसके ऊपर आपको ये नॉर्मल वेक्टर देगा। सो थैंक यू वेरी मच।